Hello students, welcome to BBVN online classes. In our previous video session, we were learning what is verb and what are the different kinds of verbs. This is the sixth chapter of your grammar book, Verbs. So we have read about verb, that what is a verb, action words are called verbs. Then we have read about kinds of verbs, jisme ki humne padha that what is thinking verb, what is saying verb, what is action verbs, what is having verbs. And then we have also learned about transitive and untransitive, ki hum kis tarike se differentiate kar sakte hain ki transitive verb jo hai वो क्या होती हैं और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं. देन वी हैव रेड अबाउट इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो विद एग्जाम्पल. आपके बुक में इन चीज़ों को समझाया गया है, सो इट इज़ गोइंग टू बी मोर इजी फॉर यू. देन यू हैव द मेन पार्ट्स ऑफ अ वर्ब, जो कि तीन पार्ट्स में रहता है. द फर्स्ट इज प्रेजेंट, द सेकेंड इज पास्ट एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर. You have learnt about these three types of verbs in your previous classes also. So, like ask, asked and will ask. These are representing the time. Why so? Because tense जो है वो क्या करता है, time को ही represent करता है. और उसमें main role जो है उस चीज़ को show करने का वो है हमारी जो verbs होती हैं वो. So mainly three forms होती हैं जो कि क्या करती हैं, present, past and future को हमें शो करती हैं. Then you have some regular and irregular verbs जिसके बारे में हमने बात की और उनको बताया भी गया है कि most verbs are regular जो कि क्या होती हैं, ed से end होती हैं, जिसके कुछ examples यहाँ पर दिए हुए हैं. Basic verb और present verb में difference ये है कि हम जब tenses पढ़ेंगे तो कुछ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, basic जो word है वही लेना रहेगा और कुछ में हमें एस और ई एस का यूज़ करना रहेगा. तो उस बेसिक वर्ब को, बेसिक वर्ड को जो है इन्होंने बेसिक वर्ब में रखा है. और प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिसको थर्ड फॉर्म कहेंगे हम पास्ट पार्टिसिपल को, इस वे में लिखा हुआ है. ओके, देन बेसिक वर्ब में बी की फॉर्म दी गई है, एम इज आर. पास्ट में वॉज वर्ब और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में बीन. फिर इररेगुलर वर्ब्स दी गई हैं कि इररेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, मैंने आपको समझाया था, जिसका जो सेकंड फॉर्म है एंड थर्ड फॉर्म है फर्स्ट से सिमिलर नहीं होता. क्योंकि आप देखेंगे कि जो रेगुलर वर्ड्स हैं उसमें ईडी लगता है मेनली, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में. और जो इररेगुलर वर्ब्स होती हैं वो तीनों क्या होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं. ठीक है, देन यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको लर्न करने हैं कि कौन सी चीज़ किस वे में है. ठीक है, वोवल्स की किस तरीके से प्रेजेंट में और पास्ट में बनते हैं, फिर ईडी और डी एंड में आता है या टी एंड में आता है, तो किस तरीके से वर्ब्स फॉर्म होती हैं वो दिए गए हैं. इनको मेनली याद लर्न करना होता है. लर्न करने से हमारे जो चीज़ें हैं उनको हम अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर पाते हैं इंग्लिश में. देन वी हैव गिव द फर्स्ट एक्सरसाइज, गिव द पास्ट एंड पार्ट पार्टिसिपल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स. आपको इनके सेकंड और थर्ड फॉर्म लिखनी है, फ्रीज की, लाई की, राइड, हाइड, नील एंड कैच की. इनकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लिखनी है क्योंकि बेसिक वर्ब जो है, जो कि है प्रेजेंट, वो आपको दी गई है और सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको फिल करनी है इन द बुक ओनली. नो नीड टू राइट इन द नोटबुक. देन आपको हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इससे पहले जो एक्सरसाइज सेकंड है उसमें दिया गया है कि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. लाइक दे डैश जोशी एज द लीडर, दे चूज, इसके सेकंड फॉर्म आप यूज़ करिए, पास्ट में आएगा. और हैव आया है तो हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करिए चूज़ की. ओके, इस तरीके से ये दो सेंटेंस समझ के करने की कोशिश करिए.
ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में मैंने आपको समझाया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो क्या होती हैं। देन टेबल में जो है वो मेन प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स दी गई हैं, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से आती हैं, पास्ट में कौन सी आती हैं और पास्ट पार्टिसिपल में कौन सी आती हैं, वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिया गया है। देन do need to do this exercise 3 because जब हम tenses करेंगे उसके बाद में ये exercise हम solve out कर पाएंगे। जो exercise 4 है, underline the verbs in the passage given below and then change them into the past tense। आपको क्या करना है, सबसे पहले verb को पहचानना है कि verb कौन सी है, फिर उस verb को past tense में यानी कि verb की second form में change करके लिखना है। दिस एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में करिएगा सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी क्लियर फॉर मी ऑल्सो टू चेक द थिंग्स। ओके, देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स कि वर्ब्स जो हैं वो फॉर्म कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं नाउन और एडजेक्टिव से। यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, प्रीफिक्स से, सफिक्स से, ठीक है, IAS बीच में लगा के, EN पहले लगा के या बाद में लगा के किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक्सरसाइजेस आपको 3 ही करनी है जो आपका चैप्टर है वर्ब उसमें, बिकॉज बाकी के जो एक्सरसाइजेस हैं वो रिलेटेड है टेंसेस से, तो जब हम टेंसेस पढ़ेंगे उसके बाद में इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।